हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना आर्टिकल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको ए एन और दा के कुछ रूल्स करवाए थे कि कहाँ कहाँ पर आप इनको यूज करोगे। तो एन का जो मैंने रूल करवाया था आपको, उसमें एक साउंड बताना रह गया था। मैंने आपको चार साउंड्स बताई थी, वो शायद माइंड से स्किप हो गया होगा। मैंने आपको चार साउंड्स बताई थी, अ ई उ और ओ। तो इसमें एक ही साउंड जो है वो रह गई थी, तो उसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अगर डैश के बाद वाले सेंटेंस में डैश के बाद वाला जो वर्ड है उसको आप प्रोनाउंस करते हो, तो वो वर्ड जो है अगर इन वर्ड से स्टार्ट होता है, इन वोवल से स्टार्ट होता है, तो वहां पर एन का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आई हैव डैश एप्पल। अब डैश के बाद वाले वर्ड को देखते हैं कि यहां पर डैश है, तो ये वाला वर्ड हमें प्रोनाउंस करके देखना है, क्या है ये? एप्पल। एप्पल में किसकी साउंड आ रही है? सबसे पहले ए की, तो ए की साउंड है, तो इनमें मैच करके देखोगे कि ए है इसमें, तो यहां पर किसका यूज करोगे? एन का। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ही ईट्स डैश ऑरेंज, कि वो ऑरेंज खाता है, तो यहां पर ऑरेंज को डैश के बाद ऑरेंज है, तो ऑरेंज को जब प्रोनाउंस करेंगे तो ओ की आवाज आ रही है, ओ की साउंड हो रही है, तो ये ओ है, तो यहां पर एन का यूज करोगे। और ए का यूज मैंने कल करवाया था आपको कि जहां पर ये साउंड नहीं होती वहां पर ए का यूज किया जाता है। दा के भी कुछ रूल्स करवाए थे मैंने, जैसे डायरेक्शन के नेम से पहले अगर कहीं पर डैश के बाद में डायरेक्शन का नेम हो तो वहां पर दा का यूज करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम अगर कहीं पर आ जाता है तो वहां पर भी दा का यूज करेंगे। ओशंस, रिवर्स और कैनाल्स के नाम से पहले अगर डैश दिया हो तो वहां पर भी दा का यूज करेंगे। और कुछ वंडर्स भी करवाए थे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके नाम से पहले भी दा का यूज करते हैं। आज हम दा का रूल कंप्लीट करेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और शिप्स के नाम से पहले की, जहां पर भी डैश के बाद में एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और शिप्स का नाम आ जाए वहां पर दा का यूज करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, डैश विक्रांत शिप लॉन्च्ड एट 12 अगस्त 2013, कि जो विक्रांत शिप है ये शिप का नाम है, जहाज का नाम है, तो विक्रांत शिप है वो 12 अगस्त 2013 को लॉन्च हुई थी, तो ये शिप का नाम है, इसलिए यहां पर डैश में दा का यूज किया गया है। नेक्स्ट है माउंटेन, रेंज और हिल्स के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। माउंटेन्स अगर अकेला माउंटेन है, ओनली माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उससे पहले दा का यूज नहीं किया जाएगा, उनकी रेंज होनी चाहिए कि बहुत सारे हिल्स एक साथ होने चाहिए, तभी वहां पर दा का यूज किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, डैश शिवालिक हिल्स सिचुएटेड इन हरियाणा, की जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा में स्थित है, तो ये शिवालिक हिल्स क्या है? माउंटेन रेंज है, हिल्स का नाम है, तो यहां पर दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके नाम से अगर ये डैश के बाद में ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पर भी दा का यूज किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट वर्ड है ओल्ड, सेकेंड रिच, पुअर और नीडी, की अगर ये चारों वर्ड्स डैश के बाद में दिए हो तो वहां पर भी दा का यूज किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, वी शुड हेल्प द पुअर, ये पुअर है, पुअर से पहले किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। ये भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, वी शुड रिस्पेक्ट ओल्ड पर्सन, कि हमें जो ओल्ड पर्सन है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहां पर दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर नाउन विच इज ओनली वन, कि दा का यूज वहां पर भी करते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज होती है, कि हम जैसे ये है एग्जांपल द सन, अब सन एक ही है दुनिया में, कोई दूसरा सन तो है नहीं, आपने कभी देखा है दूसरा सन? नहीं ना, तो सन से पहले क्या लगाएंगे? दा। द मून, चांद भी एक ही है तो इसके आगे दा लगाएंगे। अर्थ, धरती भी एक ही है तो इससे पहले भी दा का यूज करेंगे। आगे और भी बहुत सारे हैं, जैसे द वर्ल्ड, द हेवन, द हेल, ये सारे क्या हैं? एक एक ही हैं, ओनली वन है, इसलिए इनके आगे दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आगे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे जितने भी हैं सभी के आगे
दा का यूज करते हैं और एक ओनली के साथ भी दा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, ही वाज डैश फर्स्ट मैन ही वाज डैश फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट काउंटिंग नंबर आ गया, तो इससे पहले जो डैश है उसमें हम दा का यूज करेंगे कि वो पहला आदमी था जो पार्टी में पहुंचा था। और ऐसे ही ओनली के साथ भी दा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू मेंशन अ स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन और थिंग, कि किसी भी स्पेशल पर्सन और थिंग की तरफ जब हम इशारा करके बोलते हैं, कि स्पेशल पर्सन और थिंग की तरफ इशारा करके जब हम बोलते हैं, तब भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे स्पेशल की उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, तो इसका एग्जांपल देखिए आप, ही शी शी इज डैश गर्ल हु डांस वेरी वेल, कि ये वो लड़की है जो डांस बहुत अच्छा करती है। कि सिर्फ यही वो लड़की है, कि स्पेशल की तरफ बोला गया है कि यही वो लड़की है स्पेशल जो बहुत अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, दा का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इन दैट ग्रुप The boy in red shirt is my son. अब इसमें भी स्पेशल बॉय की तरफ इशारा किया गया कि जो रेड शर्ट में, जो इस ग्रुप में रेड शर्ट में जो लड़का है वही मेरा बेटा है। तो ये क्या है, स्पेशल बताया गया कि वो एक रेड शर्ट वाला जो लड़का है वही उसका बेटा है। तो ये क्या है, यहाँ पर दा का यूज किया गया है बॉय से पहले। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसके पीछे या तो ईआर लगाता है या फिर उसके आगे मोर लगा होता है। कि डैश के बाद में अगर ईआर वाला वर्ड, कि जिसके लास्ट में ईआर हो या फिर उसके आगे मोर लगा हो, तो वहां पर दा का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जो हमें दो चीजों में जो कंपेयर करके बताती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, डैश हायर यू गो डैश कूलर इट इज, कि जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही ठंडक बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, हायर, ई आर आ रहा है लास्ट में, तो क्या है ये कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज किया जाता है। यहां पर भी कूलर, कूल से क्या बना है, ई आर लगा के कूलर, तो वहां पर दा का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जहां जिसके पीछे या तो ईएसटी लगा होता है या फिर मोस्ट लगा होता है उसके आगे। सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो हमें एक ग्रुप में से अलग बताती है, कि हमारी एक स्पेशल विशेषता बताती है, स्पेशल एडजेक्टिव बताता है हमारा, कि ये एक ग्रुप में से हमें कैसे अलग करती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको, ही इज डैश tallest boy in the class, कि ये जो लड़का है वो क्लास में सबसे लंबा है। तो ये क्या है, tallest, tallest में ये tall से क्या बना है, tall इसकी verb है, इसकी जब superlative degree बनाएंगे तो est लग के tallest बन जाता है। तो tallest से पहले किसका यूज करेंगे, दा का। तो ये क्या है, इन द क्लास, ये क्लास का पूरा ग्रुप है जिसमें से इस लड़के को बताया गया है कि ये सबसे लंबा है, इसलिए ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अगर यहां पर ग्रुप ना दिया होता, एक चीज ये भी नोट करने वाली है, कि अगर ग्रुप ना दिया हो, कि ग्रुप में से हमें अलग ना करके दिया हो कोई भी सेंटेंस, तो वहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे शी इज डैश
मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कि ये जो लड़की है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हालांकि ये यहां पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, पर सुपरलेटिव डिग्री वो भी होती है जो हमें पूरे ग्रुप में से अलग करती है। जैसे इन द क्लास, ये लड़का जो है पूरी क्लास में से लंबा था, ये इसका ग्रुप में से अलग किया गया था, इसलिए यहां पर हमने दा का यूज किया। लेकिन इसमें कोई भी ग्रुप नहीं दिया गया है कि वो लड़की किस में से सबसे ज्यादा सुंदर है, अपनी क्लास में से, अपने कॉलेज में से, या अपने सारे भाई बहनों में से वो सुंदर है, तो ये कुछ भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर उसकी प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग वहां पर यूज करेंगे। तो जब इसको बोलते हैं तो ये क्या होता है, मोस्ट, मैं से शुरू हो रहा है तो एन का यूज तो होगा नहीं यहाँ पर, तो इसका किसका यूज होगा, ए का। ये भी चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर ग्रुप ना दिया हो तो वहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो। ये थे दा के रूल्स। अब एक आर्टिकल बच गया आपका, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।